मिर्गी आने की समस्या के बारे में आपने सुना ही होगा। कोई ना कोई लोग कभी ना कभी इस समस्या से पीड़ित होते हैं, जो आपको दिख जाते होंगे। इसमें इंसान बेहोश होकर गिर जाता है और अपने हाथ पांव छोड़ने लगता है या फिर ऐठने लगते हैं हाथ पांव। एक तरह का दौरा होता है जो शारीरिक कारणों से होता है, लेकिन गांव में अंधविश्वास के कारण इसे भूत आना या काली छाया पड़ना जैसे नामों से बुलाते हैं। लेकिन इसी के बचने के उपाय क्या हैं, हम कुछ घरेलू उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप इस समस्या से बच सकते हैं। अंगूर का रस मिर्गी रोग के लिए अत्यंत उपाय स्वरूप उपचार में माना जाता है। आधा किलो अंगूर का रस निकालकर प्रातः काल खाली पेट लेना चाहिए। ये उपचार करीब 6 महीने करने से आश्चर्यकारी सुखद परिणाम मिलते हैं। एप्सम साल्ट मिश्रण पानी से मिर्गी स्नान करें। जो लोग मिर्गी रोगी हैं वो स्नान करें। इस उपाय से दौरे में कमी आ जाती है और दौरे भी ज़्यादा भयंकर किस्म के नहीं आते। मिट्टी को पानी में गीली करके रोगी के पूरे शरीर पर प्रयुक्त करना अत्यंत लाभकारी उपचार है। 1 घंटे बाद नहा लें, इससे दौरे में कमी आएगी और रोगी स्वस्थ अनुभव महसूस करेगा। विटामिन B6 का प्रयोग भी मिर्गी रोगों में काफी फायदेमंद माना जाता है। ये विटामिन गाजर, मूंगफली, चावल, हरी पत्तेदार सब्जियों और दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो आप भी इन उपायों को अपनाकर इस समस्या से निजात पाएं। क्यूरिन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट।